हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मेरा नाम है सुमित हीरानंदानी। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट किवड़े लोकेशन से, जहाँ पे आपको प्रीमियम एंड स्पेशियस 2BHK एंड 3BHK फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। बात करूँ साइजिंग एंड प्राइसिंग की, तो 2BHK दो वेरिएंट के यहाँ पे अवेलेबल है, 750 स्क्वायर फीट एंड 795 स्क्वायर फीट कारपेट के 2BHK फ्लैट्स अवेलेबल है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम जस्ट 57 लैक्स ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। एंड 3BHK एक ही वेरिएंट का यहाँ पे अवेलेबल है, 1073 कारपेट जिसका रखा गया है एंड जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 82 लैक्स ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। अगर आप स्पेशियस 2BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं 750 से 800 स्क्वायर फीट कारपेट वाला एंड 55 to 65 लैक्स का बजट आप रखते हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेफिनेटली आप चेकआउट जरूर कीजिए। एंड अगर आप 3BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट कारपेट जिसका होना चाहिए एंड बिटवीन 80 to 85 लैक्स का बजट आप लेके चल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप डेफिनेटली चेकआउट जरूर कीजिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इस प्राइस सेगमेंट एंड इस कारपेट एरिया के सेगमेंट के लिए। चलिए प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2.5 एकर्स के ग्रैंड लैंड पार्सल पर यह प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 3 हाई राइज रेसिडेंशियल टावर्स रहने वाले हैं, साथ ही साथ एक कमर्शियल टावर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रेसिडेंशियल जो टावर्स हैं इनका नाम A1, A2 एंड A3 रखा गया है। A1 एंड A3 जो टावर्स हैं ये 21 स्टोरी टॉल रहने वाले हैं एंड जिसमें एक फ्लोर पे 6 फ्लैट आपको दिए जाते हैं, जो मिक्स ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट रहेंगे। बीच वाला जो टावर है A2 टावर, ये 20 स्टोरी का रहेगा एंड जिसमें आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, चारों के चारों फ्लैट जो है ये 2BHK फ्लैट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एमटीज़ की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सारी एमटीज़ दी गई है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, जिम, मल्टीपर्पज़ कोर्ट एंड हॉल जैसा एरिया आपको जहाँ पे देखने को एमटीज़ में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ पोजीशन की बात करूँ तो आपको इसका पोजीशन बिफोर दिसंबर 2025 डेफिनेटली मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के दो खास बातें हैं, एक तो है इन टावर्स का डिज़ाइन एलिमेंट। इस टावर के डिज़ाइन एलिमेंट्स की वजह से आपको यहाँ पे हर एक फ्लैट में एम्पल अमाउंट ऑफ एयर वेंटिलेशन एंड लाइट वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है। सेकंड बेस्ट बात है यहाँ का लोकेशन। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मुकाई चौक बस स्टॉप एंड किवड़े का जो डीमार्ट है उसके बिल्कुल बीच में आ जाता है। साथ ही ये प्रोजेक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाता है फ्रॉम मुंबई बैंगलोर हाईवे से। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट से आपको इजी कनेक्टिविटी मिल जाती है विद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से एंड ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे से भी इजी कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है, साइट विजिट के लिए आना चाहते हैं या फिर इन जनरल आपकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड इंक्वायरी है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ पुणे की बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपके चैनल हॉलरूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए अब सैम्पल फ्लैट का टूर करते हैं। 3BHK सैम्पल फ्लैट यहाँ पे रेडी है, विच इज़ ऑफ कारपेट 1073 स्क्वायर फीट। तो चलिए सैम्पल फ्लैट का टूर करते हैं। 3BHK के सैम्पल फ्लैट यहाँ पे रेडी है, विच इज़ ऑफ कारपेट 1073 स्क्वायर फीट। आप जैसे ही फ्लैट के पास में आते हो, आपको एक डिजिटल लॉक का सेटअप मिल जाता है मेन डोर के साथ, साथ ही साथ आपको एक वीडियो डोर फोन भी इंस्टॉल करके प्रॉपरली दिया जाता है। एंड मेन डोर का जो डोर है ये आपको 7.5 फीट हाइट का प्रॉपरली मिल जाता है। आ जाइए, आप जैसे ही मेन डोर से अंदर आते हो, आपको कुछ इस तरीके का एक डिसेंट साइज़ का एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है, जिसमें आप बड़े आराम से कुछ इस तरीके का नीचे की तरफ शू रैक बना सकते हो एंड ऊपर की तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से स्टोरेज स्पेस प्रॉपरली यहाँ पे बना सकते हो। आ जाइए, आप एंट्रेंस लॉबी से जैसे ही अंदर आते हो, आपको एल शेप का ग्रैंड लिविंग डाइनिंग एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरफ का आपका पूरा लिविंग एरिया का आप अरेंजमेंट कर पाते हो, प्लस इस तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से डाइनिंग यूनिट का अरेंजमेंट यहाँ पे प्रॉपरली कर पाते हो। तो बड़े आराम से आप यहाँ पे 6-सीटर का आपका डाइनिंग यूनिट का अरेंजमेंट बड़े आराम से प्रॉपरली हो जाता है। एक और बेस्ट बात है, आ जाइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा ही सही लेकिन एक मंदिर स्पेस आपको अलग से दिया गया है। तो प्यारा सा मंदिर यूनिट आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, उस हिसाब से आपको एक अलग से स्पेस मंदिर यूनिट रखने के लिए दी गई है। एंड यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा एंड इस तरफ आपका जो है लिविंग एरिया के अरेंजमेंट आप कर सकते हो। ये पर्टिकुलर वॉल पे मल्टीपल स्विच बोर्ड्स आपको दिए जाएंगे, ताकि आप वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट इस पर्टिकुलर वॉल पे लगा पाओ कुछ इस तरीके का। साथ ही साथ जो टीवी यूनिट है उसके अपोजिट साइड पे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का सी शेप का आपका सोफ़ा यूनिट का अरेंजमेंट प्रॉपरली कर पाते हो, उस हिसाब से आप आपके लिविंग एरिया की अरेंजमेंट यहाँ पे रख पाते हो। प्लस एक बेस्ट बात बताऊँ तो लिविंग एरिया से ही आपको अटैच्ड बालकनीज भी दी जाती है। आ जाइए इसे क्विकली चेक करेंगे। एक अच्छे साइज़ का बालकनी एरिया आपको लिविंग के साथ ही अटैच्ड मिलता है, जो ऊपर से आपको इसी तरीके से कवर्ड करके मिल जाएगा, प्लस नीचे एंटी स्किड की टाइल्स आपको दी जाती है एंड कुछ इस तरीके का रेलिंग का सेटअप आपको यहाँ पे दिया जाता है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे बालकनी एरियाज में मिल जाता है, तो बाहर का एक अच्छा व्यू वगैरह, वेंटिलेशन वगैरह भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे। आ जाइए, लिविंग डाइनिंग से ही अटैच्ड आपको इस तरफ पैरेलल प्लेटफॉर्म के साथ किचन एरियाज मिल जाते हैं,
तो दो प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे दिए जाते हैं किचन एरिया में विथ इनक्लोज्ड ड्राई बालकनी। यहाँ पे आपको किचन एरियाज दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो ड्राई बालकनी को कम्प्लीटली सेपरेट आउट कर सकते हैं, वो आप आपके इंटीरियर्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इंटीरियर्स में आप एक पार्टीशन लगा के ड्राई बालकनी को कम्प्लीटली सेपरेट आउट आप चाहें तो कर सकते हैं। आइए मैं यहाँ पे आपको अरेंजमेंट्स दिखा देता हूँ। ये पर्टिकुलर कॉर्नर पे आपको इनलेट आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया जाएगा ताकि आपका वॉशिंग मशीन का सेटअप आप यहाँ पे कर पाओ। यहाँ पे जो पर्टिकुलर विंडो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको एक अच्छा सा वेंटिलेशन आपके किचन एरिया में आता रहेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अपोजिट साइड पे यहाँ पे आपको एक सिंक पोर्शन दिया जाता है, वाटर के लिए टैप दिया जाता है, प्लस आप चाहें तो वाटर प्योरीफायर का इंस्टॉलेशन आप यहीं पे प्रॉपरली कर पाते हो। ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ गया। आप देखिए काफ़ी बड़ा सा आपको कुकिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कुकटॉप एंड चिमनी का इंस्टॉलेशन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो। प्लस ये पर्टिकुलर सेक्शन में आप चाहें तो रेफ्रिजरेटर यूनिट, आपका बड़ा सा रेफ्रिजरेटर यूनिट आ जाएगा, उतना स्पेस आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन में मिल जाता है। एंड ये साइड का पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म है। आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा सर्विस प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर रख सकते हो, इसे एज ए चॉपिंग प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया सा आपको यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म दिया जाता है। नीचे की आप कैबिनेट्स वगैरह बना सकते हो, ऊपर के ओवरहेड कैबिनेट्स बना सकते हो। तो बड़े अच्छे से आप यहाँ पे आपका किचन यूनिट का अरेंजमेंट कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। आ जाइए, डाइनिंग से ही लगा हुआ आपको इस तरफ बाहर की तरफ एक बेसिन स्पेस दिया जाता है। तो प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन स्पेस आपको दिया जाता है। तो प्लेटफॉर्म माउंटेड आपका बेसिन बाहर आ गया एंड अंदर की तरफ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। आइए यहाँ पे आपको वॉल माउंटेड कमोड स्पेस एंड ये आपका बेथिंग स्पेस, कुछ इस तरीके से आपको कॉमन वॉशरूम्स यहाँ पे दिए जाते हैं। बात करूँ सीपी वेयर एंड सैनिटरी वेयर की, तो ये आपको स्टैंडर्ड ग्रोहे एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड के ही मिलते हैं। प्लस वॉशरूम्स में आपको कुछ इस तरीके के फॉल सीलिंग विथ लाइट्स का सेटअप आपको पहले से ही दिया जाता है। प्लस बेस्ट बात बताऊं तो यहाँ से आपको सर्विस प्लेटफॉर्म अलग से दिए जाते हैं जो ओपनेबल डोर्स के साथ आप एक्सेस कर पाते हो। तो आपका जो भी एसी यूनिट का आउटडोर यूनिट है वो आप यहाँ पे बड़े आराम से बाहर की तरफ इंस्टॉल कर सकते हो एंड साथ ही उसका मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क भी यहीं से आपके प्रॉपरली यहाँ से हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। इस तरफ आपको किड्स बेडरूम मिल जाता है। आ जाइए, स्पेशियस किड्स बेडरूम मिल जाता है। यूजुअली 10x10 साइज़ के किड्स बेडरूम दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 10x11 साइज़ के एक अच्छे से डिसेंट साइज़ के किड्स बेडरूम आपको मिल जाते हैं। प्लस वेंटिलेशन के लिए आप देखिए काफ़ी बढ़िया सी बड़ी विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ इन विंडोज़ के साथ आपको सिटिंग बे विंडो की अरेंजमेंट भी करके मिल जाती है। इस पर्टिकुलर बेडरूम में आप बड़े आराम से आपके किड्स के लिए बेड अरेंज कर सकते हैं, वार्डरोब अरेंज कर सकते हैं। प्लस आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टडी टेबल की अरेंजमेंट कर सकते हैं विंडो से लगा अलग, ताकि उनको एक अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पे मिले जब वो स्टडीज़ वगैरह कर रहे हों तब। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। दोनों बेडरूम्स को चेक कर लेंगे। आइए पहले इस तरफ पेरेंट्स बेडरूम या फिर गेस्ट बेडरूम कह लीजिए, उसे चेक करते हैं। आप जैसे गेस्ट बेडरूम में एंटर करते हो, यहाँ पे आपको मास्टर वॉशरूम मिल जाता है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बेडिंग स्पेस, यहाँ पे वॉल माउंटेड कमोड स्पेस, यहाँ पे प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन स्पेस दिया जाता है। साथ ही आप ऊपर देख लीजिए फॉल सीलिंग का आपको सेटअप एज इट इज़ आपके वॉशरूम्स में दिया जाता है। अगेन आप यहाँ पे जो टाइल्स कॉम्बिनेशन है वो भी देख लीजिए, आपको रिच फिटिंग्स वाले टाइल्स कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। एंड सीपी वेयर सैनिटरी वेयर ही आपको ग्रोहे एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड के दिए हुए हैं। आइए अब इस तरफ पेरेंट्स बेडरूम को भी चेक कर लेंगे। आ जाइए, पेरेंट्स बेडरूम के साथ भी आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी सी विंडो आपको मिल जाती है, जहाँ से एक अच्छा वेंटिलेशन आपके इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी आपको मिलता रहेगा। एंड आप बड़े आराम से इस पर्टिकुलर बेडरूम में आपके पेरेंट्स के लिए या फिर गेस्ट के लिए क्वीन साइज़ का बेड अरेंज कर सकते हैं, वार्डरोब अरेंज कर सकते हैं, प्लस आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वॉल पे वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर विंडो है ये भी आपको सिटिंग बे विंडो के हिसाब से ही बना के दी जाएगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसे बैठ के आप बाहर का एक व्यू वगैरह भी एंजॉय कर पाते हो। आइए अब मास्टर बेडरूम को चेक करेंगे। आ जाइए, मास्टर बेडरूम में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वॉल है, जब भी आपके गेस्ट या कोई भी लिविंग एरिया में बैठे हो तो उनको बेडरूम्स का कुछ भी व्यू दिखाई नहीं देता है। ये पर्टिकुलर डेड वॉल है, तो इस तरफ आपको पेरेंट्स बेडरूम दिया जाता है, इस तरफ आपको मास्टर बेडरूम दिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर वॉल को आप बड़े आराम से एक अच्छा सा डेकोरेटिव आइटम या फिर आर्टिफैक्ट लगाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाती है, प्लस एक अच्छा सा डेकोरेटिव पीस आपको इस पर्टिकुलर वॉल पे लगाने के लिए स्पेस भी मिल जाती है। आइए अब ये मास्टर बेडरूम को भी चेक करेंगे। काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम मिल जाता है। बेस्ट बात है मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड बालकनी मिल जाती है। तो आपको दो बालकनी वाले फ्लैट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे आप 2 BHK लीजिए या फिर 3 BHK फ्लैट्स लीजिए। आप मास्टर बेडरूम की साइज़ भी देख लीजिए, अच्छे साइज़ का आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। आप बड़े आराम से क्वीन साइज़ का बेड या फिर किंग साइज़ का बेड भी यहाँ पे प्रॉपरली रख पाते हो। प्लस आप चाहें तो सामने की तरफ वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट भी इंस्टॉल कर पाते हो। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका
ग्रैंड वार्डरोब स्पेस भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल का भी अरेंजमेंट प्रॉपरली हो जाता है। तो अच्छे से साइज़ का आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम्स दिए हुए। आइए अब अटैच बालकनी को भी चेक करते हैं, आ जाइए। अगेन ये वाली बालकनी भी आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे साइज़ की आपको बालकनी मिलती है। ऊपर से कवर्ड बालकनी आपको मिलेगी, नीचे एंटी स्किड का टाइल्स का सेटअप भी आपको मिल जाता है। एंड ये रेलिंग का सेटअप भी आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको रेलिंग का सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आ जाइए अब अटैच्ड मास्टर वॉशरूम को भी चेक करेंगे, आ जाइए। अगेन ये भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस मास्टर वॉशरूम आपको मिल जाता है, जहाँ पे ये बेसिन स्पेस है, वॉल माउंटेड कमोड स्पेस, एंड यहाँ पे आपका बेथिंग स्पेस विथ फॉल सीलिंग का सेटअप आपको एज इट इज़ दिया जाएगा। नीचे एंटी स्किड की टाइल्स दी जाती है। एंड ये पर्टिकुलर वॉशरूम के साथ भी आपको ओपनेबल डोर मिल जाता है, एंड सर्विस लेज आपको बाहर की तरफ मिल जाता है, जहाँ पे आप आपके एसी यूनिट का जो है आउटडोर यूनिट प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओ, जिसे मेंटेन एंड रिपेयर भी आप यहाँ से कर पाते हो बड़े आराम से। आइए अब लिविंग रूम की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइए। तो कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे स्पेशियस 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 750 स्क्वायर फीट से लेके 800 स्क्वायर फीट कारपेट वाले 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं, 55-65 लाख का बजट आप लेके चल रहे हैं, या फिर आप 3 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं ऑलमोस्ट 1100 स्क्वायर फीट कारपेट का चाहते हैं, 80-85 लाख के बीच में आप बजट लेके चल रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप डेफिनेटली चेकआउट ज़रूर करें। आपको अगर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर ये प्रोडक्ट जो है चेक करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड आप आपके चैनल हॉलरूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज़ पुणे की यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पर दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।